हेलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन क्लास सेकंड लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अ चैप्टर नंबर फिफ्थ एंड वी हैड कंप्लीटेड हाफ ऑफ चैप्टर द नेम ऑफ चैप्टर नेवर टेल्स लाई इट मींस कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए द स्टोरी अबाउट अ सेफर्ड बॉय द स्टोरी अबाउट अ सेपर्ड बॉय हूज टेल लाई फ्रंट ऑफ विलेजर्स जिसमें फर्स्ट था कि वो एक गांव में था छोटे से गांव में जिसमें गडरिया चराता था ठीक है ना सेपर्ट बॉय क्या होता सेपर्ट ब, है सेपर्ट बॉय का बोलते हैं उसको गडरिया जिसको बोलते हैं ना आप रेवड़ मारवाड़ी में उस टाइप से तो वो चराता था उसके बाद में वो गाँव वालों से एक दो बार झूठ बोलता है गाँव वाले जाते हैं फिर देखो फाइनली क्या होता है एक दिन क्या होता है सच में एक भेड़ी आ जाता है जो सच में भूखा होता है और उसको अपने खाने की तलाश होती है तो सडनली ही द ग्रीन ग्रास तो अचानक से उसकी नजर क्या करती है घरी घास सरते हुए शीप यानी भेड़ों के झुंड पे फ्लॉक ऑफ शीप के ऊपर पड़ जाती है दॉप बीम वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड गॉट इज फूड जो भेड़िया होता है बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको अपना भोजन मिल जाता है फाउंड इट स्लोली एंड साइलेंटली ही वॉक थ्रू द फील्ड एंड एंडस्ट अपॉन अ शीप एंड देन अदर एंड अन उदर धीरे धीरे वो एक से दूसरा ऐसे करके भेड़ों के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेता है द सेपर्ड बॉय रस्ट वेरी फास्ट सेपर्ड बॉय होता है वो एंड हीज

क्राइ पर ध्यान नहीं देता है ध्यान नहीं देते हैं सम ऑफ देम लॉप्ड सार्कास्टिकली बिकॉज़ कंसीडर्ड अनदर ट्रिक फिर वो कुछ सोचता है कुछ अलग किया जाए हंसने लगा द बॉय रस्ट टू द नियरेस्ट विलेज फॉर द हेल्प एंड सेड अ वॉप हैज कम टू आवर विलेज एंड किलिंग माय सिप। उसने कहा गांव आकर कि एक भेड़िया आया अपने गांव में और उसने मेरी भेड़ों को मार के खा लिया दिस टाइम आई एम स्पीकिंग टू प्लीज हेल्प मी गांव में आकर बोलता है अब मैं सच बोल रहा हूँ प्लीज आओ और मेरी मदद करो अल्टीमेटली द विलेजर्स वेंट देयर अल्टीमेटली अल्टीमेटली विलेजर्स विलेजर्स क्या करते वहां द वेंट देयर जैसे ही उसको पता चलता है कि जैसे गांव में सेपर्ट बॉय बो आके बोलता है भाई इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ वाकई एक वॉप है जो सारे भेड़ियों को खा रही है प्लीज मेरी हेल्प करो तो अल्टीमेटली उसी समय गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं था 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 वो सही बोल रहा था, they saw the wolf running away. जो भेड़िया दौड़ रहा था दे ऑल्सो ऑन द ग्रास कुछ भेड़े हैं जो घायल मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी वी कांट बिलीव अ पर्सन हु ऑफन बी फूल्स बाई टेलिंग लाइज एवरी एवरी डे या इवन

क्या होता है एक बार अगर हम कोई चीज़ का झूठ बोलते हैं बार बार बोलते हैं तो फिर अगर हम दस में से एक बार सच भी अगर बोल दें तो भी हम पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा तो इसका मॉर ऑफ स्टोरी यही है कहानी का देने का तात्पर्य राइटर का कि हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए झूठ कभी झूठ का, का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप अगर मजाक भी करो तो झूठी ऐसी अगर कभी मजाक करोगे तो आपका लोगों से आपका जो अपनों से भरोसा उठ जाएगा आज का जो हमारा चैप्टर यहीं था यहीं तक समाप्त हो जाता है आज की क्लास का जो चैप्टर नंबर छे आधे क्वेश्चन आंसर शायद टिक द करेक्ट आंसर और फिलअप्स ये पिछली क्लास में करवा दिया था और जो बच्चा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और ग्रामर पार्ट वो आज करवा देंगे और देखो ग्लोसरी में जैसे ट्रिक है टू बी फूल ट्रिक का मतलब टू बी फूल सम मतलब ट्रिक होती है योजना यानी किसी को मूर्ख कैसे बनाया जाए नियरेस्ट नियरेस्ट यानी बहुत ही पास वाला वेरी क्लोज हंगरी हंगरी का मतलब था स्टारविंग ऑफ फूड करना नहीं है और नेक्स्ट ये आंसर फोर्थ करना है बाकी जो वॉकेबल स्किल है वो तो आपको करनी है आज के लिए बस इतना ही घर पे रहे स्वस्थ रहे स्टे होम स्टे हेल्थी और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले बाहर जब भी निकले जैसे मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ मास्क पे, मास्क से मास्क मुंह पर लगा कर ही निकले और समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ धोएं जय हिंद राधे राधे